भारतीय ऑटोमोबाइल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, जिसका एनुअल टर्नओवर करीब 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। भारत में पिछले वर्ष लगभग 27 लाख कारें बिकी है। अब इतनी सारी कारें तो बिकती है, लेकिन क्या आपको पता है भारत देश में हर घंटे 16 लोगों की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, यानी पूरे साल में 1,40,160 लोगों की जानें चली जाती है रोड एक्सीडेंट में। अब रोड एक्सीडेंट की वजह से हम रोड पर चलना बंद नहीं कर सकते, लेकिन कार लेते वक्त अपनी कार कितनी सुरक्षित है ये तो चेक कर ही सकते हैं। वैसे तो हम इंडियंस फेमस है सस्ती और टिकाऊ चीजें खरीदने में, शायद इसीलिए ही भारत में टॉप सेलिंग कार सेफ्टी रेटिंग्स में 1 स्टार भी नहीं ला पाती। लेकिन आज हम आपको भारत में उपलब्ध टॉप 10 कार्स के बारे में बताएंगे, जो आज की घड़ी में भारतीय रोड्स के हिसाब से चलाने के लिए बेहद ही सुरक्षित है। इन सारी गाड़ियों की सेफ्टी टेस्ट की गई है ग्लोबल एनकैप यानी ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में 10th पोजीशन पर है किया सेल्टॉस। साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरर किया मोटर्स ने इंडियन ऑटोमोबाइल में 2 साल में 7.3% का मार्केट शेयर ले लिया। वैसे तो किया के टॉप मॉडल में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन ग्लोबल एनकैप में जो मॉडल टेस्ट किया गया उसमें 2 एयरबैग्स ऑफर किए गए थे। इस टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंसी में किया ने 3 स्टार हासिल किए, तो वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 2 स्टार हासिल किए। वैसे 3 स्टार रेटिंग्स वाली कार चलाना कोई बुरी बात नहीं है। 9th पोजीशन पर है रेनॉल्ट डस्टर। 2005 में रेनॉल्ट ने अपने ऑपरेशंस भारत में शुरू किए और 2012 में रेनॉल्ट ने डस्टर को मार्केट में उतारा। डस्टर फेमस है राइड कंफर्ट के लिए इंडियन रोड्स के हिसाब से। इंडियन रोड्स पर यह कार मक्खन की तरह चलती है। एनकैप में टेस्ट हुई डस्टर में ड्राइवर एयरबैग मौजूद थे। इसके बावजूद डस्टर ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 2 स्टार स्कोर किया। डस्टर के अन्य मॉडल्स में आपको 2 एयरबैग का ऑप्शन उपलब्ध है। 8th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा, बड़े फैमिलीज की फ्यूल इफिशियंट कार। मारुति सुजुकी अर्टिगा अब तक 5 लाख यूनिट्स बेच चुकी है 8 साल में। ग्लोबल एनकैप में टेस्ट हुई अर्टिगा में 2 एयरबैग्स, ABS, हील असिस्ट, ESP, EBD जैसे फीचर्स मौजूद थे। इस टेस्ट में अर्टिगा ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार हासिल किए। तो ये फैमिली कार आपके परिवार को सेफ्टी भी ऑफर करती है। 7th पोजीशन पर है फोर्ड एस्पायर और फोर्ड फिगो नेक्स्ट जनरेशन। वैसे तो फोर्ड से हमें कई सारी उम्मीदें होती है जब भी वो नई कार लॉन्च करती है। फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस हमेशा से ही बढ़िया रहे हैं। जब हम सेफ्टी रेटिंग्स की बात करते हैं तो फोर्ड की एस्पायर एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 2 स्टार हासिल करती है। अब आप कहेंगे रेटिंग्स में इरिटिगा तो इससे ज्यादा थी, लेकिन आप देख रहे हो रेटिंग्स के नीचे स्कोर भी लगा हुआ है। इरिटिगा में एडल्ट ऑक्यूपेंसी का स्कोर है 9.25 और एस्पायर में एडल्ट ऑक्यूपेंसी का स्कोर है 10.49। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से 8th पोजीशन पर अर्टिगा है और 7th पोजीशन पर फोर्ड एस्पायर है। 6th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। फरवरी 2021 में लगभग 11,585 यूनिट्स मारुति सुजुकी ब्रेजा की बेच चुका है और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जहां क्रेटा का बेस्ट मॉडल मिलता है उसी प्राइस रेंज में आपको ब्रेजा का टॉप मॉडल मिल जाता है। तो प्राइसिंग और फ्यूल इफिशियंसी के मामले में ब्रेजा हमारे इंडियंस को काफी अट्रैक्ट करती है। सेफ्टी रेटिंग्स में ब्रेजा ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 2 स्टार हासिल किए। जो मॉडल टेस्ट किया गया उसमें 2 एयरबैग्स, SBD, ABS जैसे फीचर्स थे। 5th पोजीशन पर है टाटा टिगर और टियागो। ऐसा पहली बार हुआ है कि टाटा की कार्स मार्केट में अपना नाम रोशन कर रही है, जिसका कारण है टाटा की टियागो और टिगर। टिगर और टियागो तो ऐसी कार है जिन्हें जो हमारे इंडियन ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब रही है। बेहतरीन फीचर्स और बेहतरीन राइड क्वालिटी के साथ टाटा टियागो सेफ्टी में ऑफर करती है ड्यूल एयरबैग्स, SBR और ABS, जिसकी वजह से टाटा टिगर को मिलते हैं 4 स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंसी में और 3 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा मराजो। वैसे तो ये कार मार्केट में धूम तो मचा नहीं पाई, लेकिन इस कार की सबसे बढ़िया बात थी वर्टिकल एसी। ये कार भी बड़े फैमिलीज के लिए एक सुटेबल कार है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे इंडियन ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई। एनकैप रेटिंग में मराजो ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 2 स्टार हासिल किए। सेफ्टी के लिए मराजो में 2 एयरबैग्स, SBR और ABS मौजूद था। 3rd पोजीशन पर है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन के अब तक 1,64,734 यूनिट बेच चुका है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक शामिल है। तो नेक्सॉन टाटा के लिए एक गेम चेंजर प्रोडक्ट रहा है और आगे भी रहेगा। ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स की बात करें
तो टाटा निक्सन को मिलते हैं पूरे 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में मिलते हैं 3 स्टार। सेफ्टी के लिए ड्यूअल एयरबैग्स, SBR, ABS जैसे सारे फीचर्स इस गाड़ी में मौजूद थे। बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी टाटा निक्सन की स्टेबल है। फिर भी ये कार थर्ड पोजीशन पर क्यों है, आइए देखते हैं। सेकंड पोजीशन पर है टाटा अल्ट्रोज। ग्लोबल एनकैप रेटिंग में टाटा अल्ट्रोज को 5 स्टार रेटिंग मिला है एडल्ट ऑक्यूपेंसी में। एडल्ट ऑक्यूपेंसी का 17 जो स्कोर होता है उसमें से टाटा अल्ट्रोज को 16.13 स्कोर मिला है जो कि बेहद ही अच्छा है। और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में अल्ट्रोज को 3 स्टार मिले है। सेफ्टी के लिए अल्ट्रोज में 2 एयरबैग्स और ABS मौजूद था। लेकिन फिर भी एक ऐसी कार हमारे भारतीय मार्केट में उपलब्ध है जो टाटा अल्ट्रोज से भी काफी ज्यादा सेफ है और टाटा अल्ट्रोज से भी बेहतरीन सेफ्टी वो प्रोवाइड करती है। जी हाँ, फर्स्ट पोजीशन पर है महिंद्रा XUV300। ग्लोबल एनकैप रेटिंग में इस कार को 5 स्टार मिले है। 17 out of 16.42 इस कार ने परफॉर्म किया है और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 49 out of 37.44। सेफ्टी के लिए इसमें ड्यूअल एयरबैग और ABS मौजूद था। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको भारत में उपलब्ध बजट सेफ कार्स के बारे में बताया है। वैसे तो इनसे ज्यादा सेफ कार्स भी अभी भारत में मौजूद है जो वॉल्वो, मर्सिडीज, ऑडी कंपनियां ऑफर करती है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो कार 15 लाख तक की, उनकी अगर तुलना करें तो ये टॉप 10 कारें सबसे ज्यादा बेहतर साबित होती है सेफ्टी के मामले में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।